Hello everyone, welcome back to my channel Life Simplified by Sarika. Hello dear parents, अगर हम बच्चों को numbers 1 to 10 writing सिखाने से पहले उन्हें orally number 1 to 10 identify करना सिखाएंगे तो ये उनको writing में बहुत help होती है. ओके, सो क्विकली देख लेते हैं स्प्रू कैसे आइडेंटिफाई करती है नंबर्स. वेरी गुड. वेयर इज नंबर 3? 3 यहां. वेयर इज नंबर 9? वेयर इज नंबर 1? वेयर इज नंबर 10? ओके, अभी बोलो सब नंबर सीरियली 1 2 3 4 स्टार्ट से. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. Very good. So, अब हम देखेंगे number 1 का detail demo. And as per this, up to number 10, हम ऐसे ही numbers introduce करा के practice लेंगे. Okay? So, बच्चों को पहले number को rainbow tracing करना है. यानी कि एक ही नंबर को अलग अलग क्रेयॉन से बार बार ट्रेस करके साइमल्टेनियसली बोलना भी है नंबर 1. एंड उसके साथ में जो बॉल रखा है उसको काउंटिंग भी करना है. ओके, सो इससे क्या होता है कि काउंटिंग भी इजीली सीख जाते हैं बच्चे. सो अब स्टार्टिंग में हम डॉट्स के हेल्प से ही नंबर की राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे. और अगर वो स्क्वायर के थोड़े बाहर भी चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ ध्यान क्या देंगे कि वो नंबर जो लिख रहे हैं वही नंबर वो बोल रहे हैं या नहीं. ओके, 1 1 1 1 1 1. वेरी गुड. बोलो 3 1 So, अब हमें राइटिंग करा के तो लेनी ही है. और साथ ही साथ हम ध्यान क्या देंगे कि द वे आवर किड्स आर होल्डिंग द पेन और द पेंसिल, इज इट अ प्रॉपर ग्रिप और नॉट. क्योंकि अगर हमारे बच्चे प्रॉपरली ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं तो ये कम्प्लीटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें प्रॉपर ग्रिप समझाएं. स्कूल्स तो बंद हैं इस पैंडेमिक की वजह से, तो ये सिखाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसी पे आगे जाके हैंडराइटिंग डिपेंड होती है. ओके, एंड जैसे कि मैंने अल्फ़ाबेट्स वाले वीडियो में भी बोला था, अगर हम चावल या आटा में ही बच्चों को फिंगर की हेल्प से राइटिंग की प्रैक्टिस कराएंगे तो ये बच्चों को बहुत मज़ा आता है. सो इसी तरह से मैंने यहाँ पे नंबर 4 एंड नंबर 5 की वर्कशीट कंप्लीट करा के दिखाई हैं. यही सेम वर्कशीट्स अप्लाई होती हैं टिल नंबर 10. ओके, सो जब बच्चों को एक नंबर परफेक्टली राइट डाउन करना आ जाएगा, जैसे कि नंबर 3, अगर उनको 3 कम्प्लीटली आ रहा है तो अब हम उनसे ये एक्टिविटी करा के ले सकते हैं, सर्कल द नंबर 3. ओके, बच्चों को सिर्फ इतने सारे नंबर्स में से ओनली 3 नंबर को ही सर्कल करना है. ये सेम एक्टिविटी, ये सेम वर्कशीट हम नंबर 10 तक अप्लाई करेंगे. ओके, यहाँ पे मैंने सिर्फ नंबर 3 की ही एक्टिविटी दिखाई है. ओके, ओके, सो नेक्स्ट एक्टिविटी है कलर 4 बॉल्स रेड. ओके, सो इतने सारे बॉल्स में से बच्चों को सिर्फ 4 बॉल्स को ही रेड कलर देना है. सो ये ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी के तौर पे भी हम ले सकते हैं क्योंकि एक ही एक्टिविटी में बच्चों को मल्टीटास्किंग करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें रेड कलर फाइंड आउट करना है एंड देन उन्हें काउंटिंग एंड कलरिंग साइमल्टेनियसली करना है. ओके, सो इस एक्टिविटी में हम बच्चों की थोड़ी सी हेल्प ज़रूर करेंगे लेकिन जितना बच्चे अपने आप से कर पाए वो बेस्ट है. सो ये सेम वर्कशीट हम नंबर 10 तक अप्लाई करेंगे विद डिफरेंट शेप. 1 2 3 4 हो गए 4. वेरी गुड गर्ल, गिव इट टू मी. ओके, सो नेक्स्ट एक्टिविटी भी सेम ही है. 2 ट्रायंगल्स को ब्लू कलर देना है.
तो अब हम पूरी तरह से ये बच्चों पे छोड़ देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्प्रू को सिर्फ एक्सप्लेन किया था और उसने ये पूरी एक्टिविटी उसके हिसाब से कर ली। काउंट करा बे, हो गए दो। ओके गुड गर्ल, काउंट एंड मैच। काउंट एंड मैच, हाँ ओके गुड्डा। अपना ये कौन मैच करे थे बनाने। हाँ, काउंट 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा नंबर ने करी ला मैच? 7 7 तक करे थे करे। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 How many squares are there? 6 बच्चों कौन सा नंबर ने मैच करी ला? 6 Very good girl. 6 करे था ना? 6 Okay, triangles. 1 2 3 4 कटे करी ला मैच अबे? 4 Triangles count. Very good. Now count the stars जोर में। 1 2 3 4 5 कटे करी ला मैच? 5 बोलो। हाँ 5 5 हाँ 1 2 3 हाँ कटे करी ला मैच? 2 नंबर। हाँ करो करो मैच। बॉल्स। वेरी गुड। नेक्स्ट 1 2 कटे करी ला वे मैच? 2 वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरी गुड। कटे मैच करी ला? 8 एक्स एक्सलेटे। वेरी गुड गर्ल। ये बच्चों की सबसे फेवरेट वर्कशीट है मैच द पेयर। नंबर्स बोलो आनी पछे मैच करो। 4 4 4 देन 7 7 वेरी गुड। देन 5 5 6 6 1 1 2 2 8 8 ये क्या बन लगो? 9 रही है ना? नहीं। वेरी गुड गर्ल। नेक्स्ट इज काउंट एंड राइट करेक्ट नंबर। एंड राइट करेक्ट नंबर्स। नंबर से 1 2 3 वेरी गुड। 1 2 हाँ यहाँ पे निकालो डॉट। 1 2 3 4 कितने ट्रीज? 4 गुड गर्ल। देन काउंट दिस ट्रायंगल्स। काउंट 1 2 3 4 5 5 गुड गर्ल। देन काउंट दिस 1 2 3 4 5 6 काढ़ उठे। 6 ना? 6 देन 1 वेरी गुड गर्ल। ओके सो जब बच्चों को 10 तक कंप्लीट राइटिंग आ जाएगी तब हम इस वे में 1 to 10 की राइटिंग प्रैक्टिस लेंगे। 1 2 3
4, 5, six, seven, eight, nine, and 1, 0, 10. Very good girl. Okay, so Guddu, अब कौन सी activity है? Missing numbers. 4 ऊपर बच्चा मैं डॉट कट कर दिया है. 4 देन 5. सो इस एक्टिविटी में हम बच्चों को डॉट्स निकाल के हेल्प करेंगे. ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर बच्चे गलत लिखेंगे तो वही ध्यान में रखते हैं वो, इसलिए उन्हें बात बात पे हेल्प करनी बहुत जरूरी है. इससे उनका कॉन्फिडेंस भी वीक नहीं होता और गलत भी ध्यान में नहीं रहते. ओके, तो ये रैंडम नंबर्स एक्टिविटी हम बच्चों को जब नंबर 5 तक आ जाएगा तब भी ले सकते हैं, या बच्चों को 1 to 10 जब कम्प्लीटली आ जाएगा तब भी ले सकते हैं. ओके, रैंडम नंबर लेना बहुत ज़रूरी है, इससे एक्चुअल में उन्हें क्या क्या आता है वो पता चल जाता है. नंबर 5, देन नंबर 6, देन नंबर 9 काढ़ो. नंबर 9, देन नंबर 10 काढ़ो. वेरी गुड. देन 1, नंबर 1, वेरी गुड. नंबर 3, वेरी. सो आपको अगर ये आज का वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू.